हम लोगों ने 16वें अध्याय का लगभग 3 श्लोक देख लिया है, तो अब हम लोग जो है 4थे श्लोक से लेके 22वें श्लोक तक देखते हैं, 24वें श्लोक तक। हमें लगा आप समझ लेंगे, लेकिन रिस्पांस ठीक नहीं लगा, तो कुछ प्रयास करते हैं। देखो, जो हम लोग की पूरी मानव जाति की और पशुओं की भी जितनी इच्छा है, हमारे यहाँ शास्त्रों की ब्रिलियंसी ये है कि उन्होंने सारी इच्छाओं को बस 4 इच्छा में बांट दिया। करोड़ों अरबों इच्छा होगी, लेकिन सारी इच्छाओं को उन्होंने बोला कि नहीं, है बस 1 of the 4 डिजायर्स है। एक को आप सब जानते हैं, उसका नाम अर्थ काम धर्म मोक्ष। तो एक जो अर्थ की इच्छा, अर्थ मतलब क्या, अर्थ मतलब कि हमारे पास इतना कुछ हो जाए हैं कि हम सिक्योर हो जाएं, थोड़ा अपने शरीर को, अपने संबंधी को, अपने शरीर को और अपने संबंधी को जो सुरक्षित करने की वासना है, उसका नाम अर्थ की, अर्थ पुरुषार्थ। दूसरा पुरुषार्थ आपने सुना होगा, दूसरा है काम पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ मतलब इंटरटेनमेंट हो जाए थोड़ा सा, हमारे सेंस ऑर्गन, हमारे इंद्रियों की भी इच्छा है, तो इंद्रियों से हमारा इंटरटेनमेंट हो जाए, सुख मिले हमारे, ऐन्द्रिक सुख या भावनात्मक सुख, ये अर्थ काम पुरुषार्थ। अभी और आते हैं, हम बहुत संक्षेप कर रहे हैं। तीसरा जो पुरुषार्थ है उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ मतलब हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए कर्मों से, और वर्तमान में हमें थोड़ा नियंत्रण रहे हमारे ऊपर, आई शुड हैव कंट्रोल, ये धर्म पुरुषार्थ। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ, कि हम इस सारे दुख से सदैव के लिए मुक्ति पा लें, सारे दुख से सदैव के लिए। अब आप सोचो, जितनी इच्छा है, 1 of the 4 डिजायर्स है, बच्चे प्राप्त करने की इच्छा, 4 में से कौन सी इच्छा है, अर्थ और काम। अर्थ भी, बच्चा भी तो सिक्योरिटी है, आगे आफ्टर ऑल काम आएगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बंदूक नहीं, तो वो एक भाई यही है, बैंक बैलेंस रख लिया हमने, जिससे कि कभी आड़े तिरछे समय हमारे काम आएगा। घर खरीद लिया जाए भाई, कौन पुरुषार्थ, अच्छी जॉब है, काफ़ी पैसा है, अर्थ और काम, क्योंकि अर्थ से काम आएगा, पोजीशन हमारी अच्छी हो जाए, लोग हमको जान जाएं, हाँ काम पुरुषार्थ है, अर्थ भी है थोड़ा सा। सोचो आप, और उसमें जो ये 4 ही पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का दोनों अर्थ होता है, एक प्रयत्न भी होता है और एक पुरुष ही अर्थ्यते, जो सबके द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसको भी पुरुषार्थ बोलते हैं, इच्छा को ही पुरुषार्थ बोलते हैं। बोले उसमें नाश क्या, हमें दोष क्या है, बता रहे हैं, बताते हैं क्या दोष है। तो आप सोचो जरा सा, जीवन हमारा मनुष्य का
धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए है या अर्थ और काम के लिए? बोले सबके लिए। जब अर्थ अर्थ के साथ समस्या क्या है, क्यों नहीं अर्थ पुरुषार्थ के लिए जीवन है और क्यों नहीं काम पुरुषार्थ के लिए जीवन है? जब इस पे मनुष्यों ने चिंतन किया तो पाया कि शरीर और जगत ये बहुत ज़्यादा आप इसको सुरक्षित नहीं कर सकते अपने बल पे। अर्थम अनर्थम भावे नित्यम, और जिस अर्थ से आपने अपने को सुरक्षित किया है उसको सुरक्षित करना एक अलग चैलेंज है। आप घर को सिक्योरिटी देते हो कि घर आपको सिक्योरिटी देता है? आप घर आपको घर सिक्योरिटी देता है और फिर आप जो हर महीने लोन भरते हैं, अब पता लगाओ कौन किसको फीट कर रहा है। हाँ भाई, लोन लिया है हमने, लोन लिया बंबई में घर खरीदा मान लीजिए, तो पता लगा घर जो है 4 करोड़ का था, कम से कम 2-3 करोड़ से कम क्या मिलेगा, है ना, इतना तो होगा ही। तो हमने कहा भाई आप लोन दे दीजिए बैंक से। उन्होंने कहा क्यों? बोले आप ही तो कहते हैं लो ना, तो हम मांग रहे हैं आप। बोले कितना चाहिए? बोले देखिए 3.5 करोड़ का घर है, आप 3.5 करोड़ दे दीजिए। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, आप लोग आप पढ़े लिखे हो कैसी बात करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 70% का ऐसा कुछ अमाउंट है, हाँ 30% डाउन पेमेंट, 20% डाउन पेमेंट है, जो पेमेंट करके आप डाउन हो जाएं, तो आपने वो पैसा दिया। अब 3 करोड़ का 20% आप देख लीजिए कितना होता है, 3 करोड़ का 20% कितना होता है, 60 लाख होगा। बोले हमारे पास तो 2 लाख है। बोलेंगे सुनिए आप हमारे समय मत खराब करिए, आ जाइए, डोंट वेस्ट माई टाइम, कुछ तो होना चाहिए पैसा। अच्छा फिर आपको किश्त भी भरना है, इंटरेस्ट भी भरना है, कैसा कैसा नाम है इंटरेस्ट, जिसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं रहता उसका नाम इंटरेस्ट है। अब मतलब 20-10 साल का इंटरेस्ट है तो अब हर महीने उसका उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होगा, इन्हें कि आपको मुफ्त में दिया जा रहा है इंटरेस्ट, तो आपका लग गया, जितना लंबा करिएगा उतना आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा उसका। तब हो गया कितना? बोले आपको देना पड़ेगा हर महीने कम से कम 50,000। और अच्छा हमको तो पता नहीं भाई, 1 करोड़ का 1 लाख पर मंथ, ओ हाँ 1%, 3 करोड़ अब कितना देना पड़ेगा इनको, हाँ 2.5 लाख पर मंथ। अरे तो बहुत ज़्यादा है भाई, थोड़ा कम कर। थोड़ा कम का खरीदा जाए। अब आप बताओ हमको, कहने को तो बड़ा घर हो गया, चाचा मामा को बुला लिया, गृह प्रवेश हुआ, पंडित आए, क्या बोलते हैं, बंधन हार वगैरह लगाया गया, सब बधाई बधाई दिए आपको, सोफा सेट खरीदा, हाँ सोफा सेट खरीदा, वाली मेज खरीदा, एक ऐसे वाला एंटीक पीस खरीदा, तो ये रखा आपने बीच में। भाई फर्निशिंग का अलग कॉस्ट है, ये तो घर है, फर्निशिंग की अलग कॉस्ट है, ये सब आप खरीद के ले आए। अब आप जिसको कमाना पड़ता है, जिसको पर मन देना पड़ता है, उससे आप पूछो घर प्राप्त करने से आप सिक्योर हुए कि अनसिक्योर, इनसिक्योर हुए? अब उसको 25 साल नौकरी करना ही पड़ेगा, वो कैंप नहीं कर पाएगा। अब ही कैनॉट लीव द जॉब ऑल्सो, कि हम जॉब छोड़ के घर में बैठेंगे। अब बोलो आप क्या हाल है,
जो हमारे ऋषियों की खोज है ना, बहुत गहरी है। हमको लगता है कि वो लोग अर्थ पुरुषार्थ कभी भी किसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकता। बोले मान लीजिए कि हमारे पास पैसा हो तो तब क्या, आपके मुंह में घी शक्कर। अब पैसा होगा तो फिर आप इतना बड़ा मकान खरीदेंगे, उसको फर्निशिंग करवाएंगे, फिर नौकर चाहिए जिंदगी भर के लिए, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, चोर वोर ना आ जाए ये भी देखना पड़ेगा, सामान मेड रखा था मेड ने चोरी कर लिया कुछ, अच्छा हाँ मेड ले गई, मेड ने हमको मैट कर दिया। तो कभी भी ये अर्थ पुरुषार्थ, दूसरा है काम पुरुषार्थ। हमारे शास्त्र ने बड़ी बढ़िया बात बोली, उन्होंने एक बात बोली कि जो अर्थ है, जो सिक्योरिटी है, वो दो जगह से ही निकलती है। हाँ? और धर्म और उपासना से ही सिक्योरिटी निकलती है। बोले हमारे हार्डवर्क से, हार्डवर्क ठीक है, अगर वो धर्मानुकूल है तो शायद उससे सिक्योरिटी निकलेगी। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण तो इनसिक्योर हो गया। तो सिक्योरिटी जो है धन से न निकल के धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो हता हन्ति। अगर धर्म को मारा है तो धर्म भी आपको मारेगा। अब बताओ, सद्दाम हुसैन को जो अमेरिकन लोग ने मारा, बताए ना, वो अंदर बंकर होता है, उसमें पकड़ के मारा। जो प्रेसिडेंट ऑफ इराक था इतने साल तक, क्या नीचे जो होता है, हाँ उसमें स्टोव रखे थे वो खाना बनाने के लिए, और बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, प्रेसिडेंट ऑफ इराक, क्या नाम था उसका। और वो जो है उसको जेल में रखा गया, बहुत ह्यूमिलिएट किया गया, बेचारा अपना कपड़ा खुद धोए। इनसिक्योर किसने बनाया, इतना तो पैलेस था उसके पास, एक एक पैलेस ही इन लोग का अरबों का होता है, हम लोग का क्या है, कुछ नहीं। हम तो देखे भी नहीं पैलेस कैसा अंदर से। क्या हुआ, तो अर्थ पुरुषार्थ के करने की जगह अगर आप धर्म पुरुषार्थ और उपासना करें तो ये ज्यादा सच सकता है। दूसरी बात, काम पुरुषार्थ पे आते लगता है इंटरटेनमेंट हो हमारा, है पास अच्छा भोजन हो, अच्छा खाने को मिले, अच्छी बेड हो, अच्छा घूमू आए थोड़ा बाहर, जेब गर्म हो जाए तो ठंडी देश में हो आओ, फिर ठंडी हो जाए फिर गर्म देश में आ जाओ, जरा घूम घाम आओ, मनाली हो जाओ। मनाली पता है ना, मनाली नहीं पता, हाँ हाँ, जहाँ जाके पति पत्नी को मना ले तो वो मनाली है कि भाई तुम खुश रहा करो, हम तुमको इतना दे रहे हैं। गए थे ना मनाली, गए थे ना वहाँ, मनाली में जाओ। तो भाई हम ये बोल रहे हैं कि काम पुरुषार्थ के साथ समस्या क्या है कि इसकी इट इज इनसेशियबल। आप पूरा करते जाओगे और इसकी इच्छा, घी जैसे डालो अग्नि में वैसे ही काम पुरुषार्थ है। ह्यूमन बर्थ जो है, जो मनुष्य का शरीर है, इन दो पुरुषार्थों की सीमा जानने के लिए, मतलब ये पूरे हो ही नहीं सकते आपसे। अब बचा हमारे पास दो पुरुषार्थ, अब यहां बैठे हैं, बताइए कौन सा पुरुषार्थ है ये? मोक्ष पुरुषार्थ, गीता मोक्ष ग्रंथ है भाई। धर्म पुरुषार्थ में आप कुछ ऐसा करते हैं कि अगला जन्म अच्छा हो, भोजन करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो मनुष्य शरीर जो है धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए प्राइमरीली है, और अर्थ और काम साइड का पुरुषार्थ है। लेकिन बताइए क्या समस्या है,
जो अर्थ और काम पुरुषार्थ है उसमें फल इमीडिएट है, उसमें फल इमीडिएट है, इमीडिएट सुख उसमें मिलने के चांसेस है। और धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ का फल बहुत देर में आता है साधारण व्यक्ति के लिए। हाँ, किसी से बोले सुनो पांच माला गायत्री जप करो तो सुख नहीं मिलेगा, बोले जाओ बाहर खाना खा के आ जाओ तुरंत सुख मिल जाएगा। तो चूंकि उसमें इमीडिएट का पोर्शन है इसलिए मैक्सिमम लोग हाँ अर्थ और काम पुरुषार्थ को ही साधते हैं। उसमें गलती क्या हो रही है? हमने बोला ना गलती क्या हो रही है, आप शेर की सवारी पे आ गए हैं, अब कूद भी नहीं सकते, शेर ही खटा लेगा और रह भी नहीं सकते, तो ये पीसता है, ये तो पुरुषार्थ है। अब जो इस अध्याय का नाम है देवासुर संपत्ति विभाग योग, तो देव संपत्त हो गया था, अब आते हैं जो असुर हैं, एक है राक्षस एक है असुर, दोनों में अंतर क्या है? राक्षस वह जो द्वेष प्रधान होते हैं, बहुत कंप्लेन है, बोले हम तो नहीं राक्षस, राक्षस मतलब नहीं इसमें सिंग विंग हो, हमारे अंदर कुछ राक्षसी प्रवृत्ति है, भले पूरे राक्षस ना हो लेकिन कुछ प्रवृत्ति है, कुछ अंश में राक्षसत्व तो है, दूसरे ऐसा बता रहे हैं। तो जो राक्षस है उसमें कंप्लेन है, द्वेष है, रिएक्शन है, थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाना है, ये राक्षसी स्वभाव है। और जो असुर है असुसुरम, जिसको देख के लोग बोलते हैं रक्ष रक्ष बचाओ बचाओ, उसको बोलते हैं राक्षस। और जो असुर हैं, असु मतलब होता है प्राण इंद्रिय, तो असुसुर रमनते जो विषय में रमण करें उनको बोलते हैं असुर। तो असुर जो है वो काम प्रधान है और राक्षस जो है वो क्रूर है, क्रोध प्रधान है या द्वेष प्रधान है, एक में काम की प्रधानता है एक में द्वेष की प्रधानता है। जो राक्षस हैं वो इमीडिएट डैमेज करते हैं और जो असुर हैं वो ग्रेजुअल डैमेज करते हैं। अब इनके साथ क्या हो रहा है, किनके साथ, असुर और राक्षस के साथ क्या हो रहा है इनके साथ, कि इनके में अर्थ और काम इतना डोमिनेट कर गया है कि धर्म और मोक्ष एकदम पीछे छोड़ दिया है। सारे जानवर अर्थ और काम के ही पीछे हैं, सब जानवर खाने को ही कुछ ढूंढ रहे हैं, सारे जानवर आप देखिए वही कर रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। तो जिनके अंदर ये टेंडेंसी है, इनके अंदर जिनके अंदर अर्थ और काम की एक्सेसिव टेंडेंसी है, एक्सेसिव मतलब धर्म को तोड़ के अर्थ और काम, आई मीन आई विल ब्रेक द रूल, हम क्रूर होंगे दूसरे को मारेंगे, ये एक एक्सट्रीम की है, सब सब को कष्ट देखें, उनका नाम यहां दिया गया है असुर। और फिर उनका नेचर चूंकि गोली है इसलिए नेचर बदल जाता है। हमने सुबह बोला था कि आपका जीवन लक्ष्य डिसाइड करेगा कि जीवन शैली क्या है, अगर आपको स्मरण हो तो। अगर किसी को बहुत पैसा कमाना हो, आप बताइए खूब पैसा कमाना है ये लक्ष्य है, तो कुछ ना कुछ तो अगर भाई हुक और भाई क्रूपिक कमा लेगा थोड़ा सा। देखो दवाई कितनी नकली आती है, दवाई जो है, कहाँ बात कर रहे थे हम, किसी से बात कर रहे थे, कोई फार्मेसिस्ट, तो उन्होंने कहा कि जो दस पैसे में बनती है दवा या 50 पैसे में बनती है दवा, उसको 20-30 रुपए में बेच देते हैं लोग, नकली दवा एग्जैक्टली वैसे ही स्ट्रिप आएगी, एग्जैक्टली वैसे स्ट्रिप जैसे असली वाली है एग्जैक्टली वैसे आएगी, और ट्रक ट्रक भर के आती है मार्केट में जाती है, वो तो दवा खाने वाले को पता नहीं चलता कि कुछ हो नहीं रहा है, बेचारा डॉक्टर को ब्लेम कर देगा। अब बताओ
ये देखा आपने, आपको शायद पता होगा कि पेंट मिला देते हैं पानी में, उसका उससे चाय बनती है स्टेशन पे, कभी कभी पेंट मिला देते हैं पानी में और उससे चाय बनाते हैं जो आप बढ़िया चाय पीते हैं। ये सब मतलब आप को ना धर्म का ख्याल है ना धर्म का ख्याल है, क्यों? क्योंकि बहुत धन चाहिए। भिखारियों को पकड़ लेते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों को भिखारी बनाया जाता है। आपको पता है दिल्ली में ही कई हजार बच्चे हर साल खो जाते हैं, नहीं पता आपको? कई हजार बच्चे स्पेशली जो स्लम्स के आसपास होते हैं वो खो जाते हैं, मतलब कोई उनको पकड़ ले गया, पकड़ के उनसे तो चाइल्ड लेबर करवाएगा या तो उनको भिखारी बनाएगा या कुछ भी कर सकते हैं। किस लिए? अर्थ पुरुषार्थ के लिए। कई हजार लड़कियां की ट्रैफिकिंग होती है पर एनम, हजारों में संख्या है, एक दो नहीं है। अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ लीजिए तो आपका दिल बैठ जाएगा। ये है अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, या आपने सारी सीमा तोड़ा मार के पीट के जला के, अब उनको दर्जा क्या दोगे? बोली राक्षस है, राक्षस है, राक्षस। आपको पता है जब एयरपोर्ट में लोग आते हैं कभी कभी उनके पास कुछ होता है, सोना होता है या कुछ, लोग खा लेते हैं, लोग जो हैं करोड़ों का कुछ माल है खा लेते हैं जिससे डिटेक्ट ना हो, हैं क्या आदमी को? अच्छा ठीक है, ये कर लेते हैं। हाँ हैं, निकल जाएगा, डिफिकेशन से निकल जाएगा वो दवाई वगैरह लेते, कुछ लेते हैं, हैं ऑपरेट भी करते हैं। हाँ बताओ, हजारों करोड़ों सांप पकड़े जाते हैं उनकी स्किन के लिए, क्या बोलिएगा आप? कौन सी कैटेगरी में डालोगे आप? बात नहीं करना चाहते थे ये सब की, लेकिन अब विषय आ गया। चाइना जाइए, जिंदा जानवर को तवे पे डाल देते हैं, डॉग फेस्ट होता है वहां, डॉग को काट देते हैं जिंदा ही, क्या बोलिएगा आप उनको? काम पुरुषार्थ ना वो। अच्छा है हम लोग ये सब नहीं देखते, भगवान उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब उनके में ये नहीं है कि धर्म हमारा गड़बड़ हो रहा है तो एक दिन हम भी इसी तवे में से ही डाले जाएंगे। स्नेक फार्मिंग होती है, क्रोकोडाइल फार्मिंग होती है, हाँ जो क्रोकोडाइल की स्किन है उसकी बैग बनती है, शायद आपके पास हो। काटा मारा जाता है एनेस्थीसिया दे के, नहीं जिंदा गर्म पानी में डाल दिया जाता है, ना बोले आप? रहने दे रहने देते हैं, हम तो देखते नहीं, लेकिन हम जब लोग आते जाते हैं तो बताते हैं हमको। और हम वहाँ डरबन में हैं तो वहाँ भी एक क्रोकोडाइल फार्म है, तो हम कहते करते क्या है वहाँ पे, उनको पकड़े क्रोकोडाइल के पास फिर देना चाहिए। बताओ, फॉरगेट अबाउट धर्म, ये तो आप क्रूरता पे उतर आए, क्रूरता, यू हैव बिकम एक्सट्रीमली क्रूएल। कैसे दिखता है कोई तड़पता हुआ तुमको? जो जो अब सब बताने जा रहे हैं असुर संपत्ति वाले, असुर संपत्ति, इन्होंने अपने कर्म से नरक बनाया है, थोड़ा क्रोध में रहेंगे भगवान और ये पोर्शन थोड़ा सा ऐसा ही है,
कहिए तो ले, हमने आपसे बोला था आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन हमको रिस्पांस मिला कि नहीं पढ़ पाएंगे, आप पूरा कर दीजिए। एक तो टाइम नहीं है और दूसरी बात हम लोग जो हैं और सुनना चाहते हैं। अब तो हम बहुत छोटा छोटा बता रहे हैं आपको, बहुत आई एम जस्ट टेलिंग यू द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इससे क्या क्या होता है अच्छी अच्छा है कि चर्चा ना किया जाए उसकी। इसलिए जब भगवान क्रोध में आपको दिखें तो आप मत बोलना कि क्यों क्रोध कर रहे हैं आप, थोड़ा एंग्री मूड में भगवान होने वाले हैं, मीठे वाले नहीं है, अधरम मधुरम नयनम मधुरम। उनका अब डिस्क्रिप्शन है, और याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं है, निंदा न तो इसको बोलते निंदा न्याय, निंदा न तो निंदा निंदार्थम, निंदा इसलिए है क्योंकि जो उनकी निंदा करें तो कभी पढ़ेंगे नहीं है सब, इसको तो साधक ही पढ़ेगा कि आप संभालिएगा अपने आप को, आप अपने आप को जरा बचा के रखिएगा। चलें, चलिए चौथे श्लोक से पढ़ते हैं, चौथा पांचवा छठा सातवा ही पढ़ लें, साथ साथ पढ़ते हैं, टाइम बच जाएगा। दंभो दर्पो भिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ज्ञानं चाभिजातस्य तदमासुरीं दैवी संपत्विमोक्षाय निबन्धाया सुरीमता माशु च संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थमेष्वसु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते। अब भगवान आते हैं, अब हम आसुरी संपत्ति में बताते हैं। दैवी हो गया, दैवी मतलब जिसमें धर्म और मोक्ष प्रधान हो, जो धर्म और मोक्ष के लिए अपना अंतःकरण एकदम उपजाऊ बनाया है उसने। अभयम सप्त समशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च बोली तो नहीं, एक सुनिए, आसुर भी अपने में किसी अंश में है, नहीं तो भगवान नहीं बताते। अब कितना अंश है वो पता लगाइएगा आप या पड़ोसी से पूछिएगा। तो अब बोल रहे हैं दम्भ, स्टार्ट दम्भ से ही किया, दम्भ से ही किया। एक चीज आपको सुनाते हैं, तीसरे श्लोक के आखिरी में भगवान बोलते हैं कि अभिजातस्य दैवीम अभिजातस्य, तो दैवीम अभिजातस्य भावी कल्याणस्य इत्यर्थ, उसका अच्छा ही होगा। क्यों? उसका स्वभाव बहुत अच्छा, जैसा स्वभाव होता है वैसी प्रारब्ध हो जाता है। फिर आगे उसका मतलब जिसका प्रारब्ध खराब है स्वभाव खराब, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अभी अगर हमारा स्वभाव अच्छा होगा कहीं न कहीं किसी अंश में प्रारब्ध अच्छा हो जाएगा, ये कह रहे हैं। तो पहला है दम्भा, दम्भा मतलब क्या है? धर्म ध्वजित्वम, हो कुछ दिखाना कुछ। हाँ दिखाना क्यों? क्योंकि दम्भ से थोड़ा सा मान मिल जाता है आदमी को, थोड़ा सा लोग जान जाते हैं कि भी है। एक जने थे तो उन्होंने एक चद्दर बिछा लिया और लिखा था दान करना मना है, ऐसे बैठे रहे। अच्छा अब लोग भी पैसा कुछ डालें तो एक बड़ी सी छड़ी रखे थे, ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे 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 ऐसे, किसी ने पैसा डाला ऐसे करते। तो कोई कंजूस को लगा कि हम भी सबके सामने डालते हैं देख लें, तो उसने 10,000 रुपये डाल दिया, ये छड़ी लेके ऐसे कर दिया। वो पता नहीं था कि ये ऐसे कर देंगे, तो वो क्या बोले, उनका सुनिए आप तो हर बार ऐसे कर देते हैं, बोले तो छोटा अमाउंट है ना वो। तो दम्भ होता है कि आदमी अपने आप को जो है उससे ज़्यादा दूसरे को, अब हम फिर से बोलते हैं जिस चीज़ को आप ज़्यादा दिखा देते हैं वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है।
जैसे आपने सबको बता दिया कि हम इतना जप करते हैं, तो गुरु को बता दें ठीक है, संत को बता दें, लेकिन सबको बताएंगे तो वो जप करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और छिपा लेंगे तो वही चीज़ बढ़ जाएगी। जो छिपी रहती है वो आपके करीब आ जाती है। दम्भ, ये आसुरी क्यों है? आसुरी क्यों है? क्योंकि दम्भ करके दूसरा भ्रमित हो जाएगा आपको लेके, पता नहीं क्या वो सोचे आपको लेके। रावण ने दम्भ भी तो किया साधु बनने का, मेघनाथ ने दम्भ किया कि कई ने दम्भ किया, बताओ ऐसा ऐसा कपड़ा पहन के वो लेट गई, अपनी नाराजगी दिखाया। तो मतलब जो एक रिलेशंस की एक सिंप्लिसिटी रहती है, क्या बहुत इजी है उसको समझना। जो आप किसी के साथ रहते हैं तो मजा तब आता है जब बहुत आसान हो किसी को समझना, और वो हमको समझ सकता आसानी से, हम तो हमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता तुम्हारे साथ। आई डोंट हैव टू पुट लॉट ऑफ ब्रेन एंड माइंड टू फाइंड आउट व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट इज इंटेंशन, क्या छिपाए, क्या है, ऐसा तो नहीं। इट्स वेरी सिंपल मैटर। तो जहां पे दम्भ होता है वहां कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और फिर एक ईजीनेस होती है, एक एक सहजता होती है स्वभाव में, वो सहजता चली जाती है, इसीलिए दम्भ। दूसरा है दर्प। दर्प मतलब क्या देखा है? धन स्वजन आदि निमित्त उत्सेक गर्व होता है। अभिमान थोड़ा सा अलग है दर्प से। अभिमान की टेंडेंसी है कि दूसरे हमको बड़ा समझें और हम भी हैं वैसे। दर्प में किसी खास क्वालिटी को लेकर दर्प होता है उसका, हाँ कुछ भी हो सकता है, हम बहुत अच्छा गाते हैं इसी बात का दर्प है, इसलिए दर्पण बना है शब्द। वाह वाह वाह। तो दर्प मतलब इसे दर्पण है, द्रुप्यति, जिससे दर्पण देख के दर्प हो जाता है। देखो क्या बढ़िया हमारा चेहरा है, देखो क्या क्या ओंठ का कट है ये, देखो। तो ये जो इसको बोलते हैं दर्प। किसी भी चीज का दर्प हो सकता है। क्या बढ़िया, देखो यहाँ मेकअप किया है, देखो इतना कितनी अच्छी हमने थ्रेडिंग करवाया यहाँ से, तो ये जो है ये दर, ये देखो आज ही गए थे तो उसने एकदम ऐसे करके ऐसे धनुष की तरह बनाया है ऐसा। अच्छा हाँ, एकदम एकदम ऐसा, देखो ऐसे हम तीर मारेंगे ऐसे। तो ये दर्प है ये, और ये तीर लगाएंगे। अब आप लोग इतने चुप हैं जैसे कि हम ही को सब पता है, सब आपको ही पता है। अच्छा वो जो करवा के आएंगे ना ये सब उठपटांग, और जब चेहरा देखेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये जब करेंगे तो इसमें देख के जो डर पाएगा। ये जो करेंगे ऐसे ऐसे ये है ठीक है, और ऐसे जब करेंगे ऐसे ऐसे, उनको जब पसीना आएगा ना तो ऐसे नहीं पूछेंगे वो। भाई हम लोग को पसीना आए तो हम लोग ऐसे पूछ लें, ऐसे ऐसे वो नहीं पूछेंगे, ऐसे वो ऐसे से ऐसे से पूछेंगे। और अब विदाई में लड़कियां नहीं रोती, मेकअप खराब हो जाता, सही बता रहे हैं। किसी ने बोला हाँ ये दर्प, जिसको देख के लग जाए दर्प है, तो खूब तैयार वार होके आए सबके सामने और एकदम ऐसे ऐसे, मतलब हाँ कुछ अलग ही लगा कि हम अलग ही हैं। और किसी ने बोल दिया, मान लीजिए किसी ने बोल दिया, अरे यार क्या क्या लग रहे यार तुम आज, तो यार क्या लग रहे हो, ओह माय गॉड क्या हुआ, अरे यार कत्ल करवाओगे क्या,
तो अब इसने अपनी एक इमेज बना लिया और फिर उसी इमेज के साथ, मिथ्या इमेज के साथ घूम रहा है ये, और उसको लग रहा है दूसरे भी ऐसे ही देखेंगे। ईश्वर का स्मरण भूला, गुरु का स्मरण भूला, शास्त्र का स्मरण भूला, और एक हार्ड मांस के टुकड़े का स्मरण हो रहा है। रंगा हुआ हार्ड मांस को मेकअप बोलते हैं, रंगा हुआ हार्ड मांस। हम और हार्ड नहीं बोल रहे हैं, जो कि हम उड़िया में बोलते थे, हम नहीं बोल रहे हैं उसको, आपको बुरा लगेगा, नहीं बोल रहे हैं। तो दम्भो दर्पण और अतिमानश्च, अतिमान किताब में अभिमान है कि अतिमान है? अभिमान है। अच्छा, हमारे भाष में तो अतिमान है, बहुत मान है। ये सब आसुरी संपत्ति है। क्रोध के बारे में सुबह बोल दिया था, शायद सुबह आया था एक क्रोध आया था। क्रोध मतलब जहां पे आप अपने अपने अंदर के जो एक ज्ञान था, एक चैन थी, वो एक शांति थी, उसको आग लग गई। और एक टॉपिक आउट ऑफ मिलियन टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड, एक टॉपिक ही आप सबसे इंपॉर्टेंट बना लिए। और पारुष्य, पारुष मतलब बोलो, पारुष्य मतलब कठोरता, हार्डनेस। परुषवचम यथा काणम चक्षुमानम, हाँ इसको बोलते कठोर, कठोर बोलना। सुनिए, हाँ किसी ने पूछा, भाई पत्नी ने पूछा पति से, शाम को जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मरने चलोगी? अरे हम आपसे बस इतना पूछ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इसमें? तुमको पता नहीं, जो जाते तो नहीं पूछना चाहिए, उससे काम बिगड़ जाता है हमारा। ऑलरेडी कोई काम नहीं हो रहा आजकल। ये पारुष्य, पारुष्य हार्डनेस होती है। एक अज्ञानम, यहाँ अज्ञान वाला ज्ञान नहीं है, आत्मा अनात्म वाला, यहाँ धर्म धर्म का ज्ञान है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता, बोले दैवी संपद का लक्ष्य क्या है बताओ, जो जिसमें दैवी संपत्ति होगी, कौन सी? फर्स्ट थ्री श्लोक, अभयम सत्य संशुद्धि, तीन बात उसमें होगी, ईश्वर को प्रसन्न करेगा वो, भाव अच्छा होगा, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, ईश्वर को प्रसन्न करेगा। दूसरी बात, गुरु को प्रसन्न करेगा, क्यों? ये अपनी पर्सनैलिटी बहुत लूज है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत त्याग है, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर अपैशुनम, समाज विराट को प्रसन्न करेगा, ये सबसे आशीर्वाद मिलेगा। इन सब से उसके जीवन में सत्संग आएगा, गुरु आएंगे, श्रद्धा बढ़ेगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। और निबंधाया सूरीमता, और जो आसुरी संपत्ति उससे बढ़, उससे बंधन होगा। बंधन मतलब एक स्वभाव खराब हो जाएगा और बाहर से कर्मफल खराब होगा। उससे जो हमारे जीवन में एक संसार से बाहर जाने का रास्ता था, वो ब्लॉक हो जाएगा और अगला जन्म मिलेगा। देखो, एक नेचर का इतना कमाल है, एक स्वभाव का ये होता है। इसीलिए क्या बोला है, ये सबसे पहले ये दैवी संपत्ति कहाँ आया ये शब्द? वैसे भाई देवे कहाँ है ये? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्य था। और उसके पहले का एक श्लोक था, मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेदसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम शिता, आया था ना वो, उसी की कमेंट्री चल रही है। अब बताओ, बंध गए, किसने बांधा आपको? हमारा स्वभाव ही ऐसा निकला। अब भगवान, फिर अर्जुन के मन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया, ऐसा तो नहीं कि हम भी आसुरी वाले में? भगवान ने ऐसे ठोका अर्जुन को कि माशुच संपदम दैवीम अभी जातो सी पांडव। ओ अर्जुन, ना माशुच, मतलब उस समय शोक अलग से हो गया था, तभी बोला होगा भगवान, मन में जान के होंगे कि अर्जुन को जरा कॉम्प्लेक्स आ गया। शोकम मा कारशी ही, शोक मत करो, क्यों?
तुम तो दैवी संपत्ति में टॉप पे हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारी छोटी मोटी दैवी संपत्ति है, तुमने तो बहुत पुण्य किया है अर्जुन। अच्छा अच्छा, तुम्हारे पास, तुम्हारा स्वभाव तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे अंदर दान है, तुम्हारे अंदर अहिंसा है, तुम्हारे अंदर दया है, तुम्हारे अंदर त्याग है, जिससे शिवजी प्रसन्न हो जाए। जो भी देवता था तो अर्जुन से दोनों प्रसन्न हो जाता, देवी जी प्रसन्न हो गए, इंद्र प्रसन्न हो गए, शिवजी प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न नहीं थे। हाँ, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य प्रसन्न नहीं थे, प्रजा प्रसन्न नहीं थी। ऐसे तो नहीं कोई प्रसन्न होगा, कुछ तो होगा आदमी। लिखते हैं असी भावी कल्याणम, तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होने वाला है आगे। असी भावी कल्याण, तुम्हारा अच्छा कल्याण होगा। तो जब स्वभाव अच्छा नहीं होता है व्यक्ति का, तो अच्छे प्रारब्ध में भी दुख निकाल लेता है, बट उससे बुरा प्रारब्ध। कि कई का प्रारब्ध इतना अच्छा था, ऐसे पति, ऐसा पुत्र भरत जी जैसा, बताओ, ऐसा उनका दूसरा जो पुत्र था, जो सौतेला पुत्र, वो इतना मान देता था, उसके बाद भी दुख निकाल लिया। और भगवान राम का स्वभाव इतना अच्छा कि कितनी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने सुख निकाल लिया। जब स्वभाव आदमी का अच्छा नहीं होता तो अच्छा बुरा प्रारब्ध फर्क नहीं पड़ता उसको, वो हर जगह से कुछ ना कुछ कड़वाहट निकाल लेके जाएगा। तुम तो एकदम फिट हो अर्जुन, डोंट वरी अबाउट दैट। द्वौ भूत सर्गौ ले, पढ़ लिया हम लोग। बोले इस सर्ग में, सर्ग में मतलब मनुष्य लोक में, दो तरह की उत्पत्ति है। द्वौ भूत सर्गौ, दैव आसुरेव च। दैव, देखिए बोले चौथे श्लोक में संक्षेप में बताया है, जो वो सातवें से बाईसवें श्लोक तक बताने वाले हैं भगवान ने एक श्लोक में कंडेंस करके बताया है। अब भगवान छठे में बोल रहे हैं कि हमने तुमको दैवी संपद बताया है, दैव विस्तरशः प्रोक्ता, विस्तार से बताया, तीन ही श्लोक बताएगा ने विस्तार से बताया। अब विस्तार से तो ये बता रहे हैं, ये कवरेज इतना लंबा है, सातवें से बाईसवें श्लोक तक, वहां तीन श्लोक का कवरेज था, लेकिन तीन श्लोक में काफी कुछ बता दिया था उन्होंने, विस्तारित था उनके लिए। आसुरम पार्थ में सुनो, अब तुम आसुरी संपत्ति के बारे में सुना, मतलब जिसके लिए धर्म और मोक्ष नहीं है ज्यादा। सातवां पढ़ा है तो पढ़ लिया है, नहीं पढ़ेंगे तो आप तो पाठ करते रहते हैं, आप लोग समय से आते हैं तो पाठ भी कर लेते हैं। बोले आप हमारे तो नहीं बोल रहे हैं। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य, अरे हम कुछ और कहो, हम 18वें अध्याय का बोल गए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, हाँ, न शौचम नापि चाचारः, न सत्यम तेषु विद्यते। मतलब क्या इसका है बोलो? ये सात, तीन तीन का सेट है, सात आठ नौ का एक सेट है, दस ग्यारह बारह का दूसरा सेट है, तेरह चौदह पंद्रह का तीसरा सेट है, और उसके बाद, चलिए अपसेट मत होइए, ये सब सेट सुनिएगा। उसके बाद भगवान बताते हैं इनके बारे में, अब देखो क्या बोलते हैं। ये जो है, अब जो सात आठ नौ श्लोक है, ये जगत के सापेक्ष इनका क्या नोशन है, ध्यान दीजिएगा। वॉट इज देयर नोशन रिगार्डिंग द वर्ल्ड, किनका, जिनमें आसुरी संस्कार ज्यादा है, आसुरी एंड राक्षस दोनों आ गया। हाँ, आसुरी जो है रजोगुण प्रधान है और राक्षसी तमोगुण प्रधान है। एक्सेस ऑफ तमोगुण इज राक्षसी, एक्सेस ऑफ सद्गुण, अरे एक्सेस ऑफ रजोगुण इज असुरी विदाउट द सद्गुण, परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तब इनका क्या मान्यता है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, हमें क्या करना है? तो हर आदमी को कुछ काम करना है और कहीं से विड्रॉ करना है। हर आदमी के लिए दो चीज है, इसी का नाम धर्म है, कहीं पे विधि है, कहीं से आपको निषेध है। अब हम हैं तो हमारे लिए विधि है, क्या विधि है बताइए? आप पाठ करिए, पूजा करिए, ध्यान करिए, मनन करिए, सत्संग करिए, असंग रहिए, हाँ, ये सब विधि है। हाँ, निषेध क्या है? पिक्चर मत देखिए, अटैच मत होइए,
अच्छा हाँ, धन के प्रति आसक्ति मत रखिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, द्वेष मत करिए। क्यों? हाँ तो बोलिए आप। ये हाँ, ये निषेध है, ये निषेध है। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा भोजन मत करिए। अच्छा हाँ, कि बोले आप जो है गरम गरम गुलाब जामुन और ठंडी सी आइसक्रीम। हाँ रोहित जी भी हंसना है, तो एकदम गर्मा गर्म गुलाब जामुन और ठंडी सी आइसक्रीम में जो रख के खाने में मजा है स्वामी जी को, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। इसके लिए लिया था क्या? ये सब तो करने तो दूसरे को। हाँ तो निषेध हो गया ना कई जगह से। अब गृहस्थ है, अब किसी की शादी हो गई, विधि क्या है? आप परिवार देखिए, उसी पति या उसी पत्नी के साथ रहिए। अब वो बोले नहीं भटनागर अच्छा है या भटनागर की बात तारीफ मत करो आप, अब वो आप किसी और के साथ संबंध मत बनाइए या किसी स्त्री के साथ मत बनाओ संबंध। क्यों? निषेध हो गया ये, जितना पैसा उसी में काम चलाओ। एक ब्रह्मचारी है, हम लोग ब्रह्मचारियों के मान लो आश्रम में गए, तो विधि है कि जो गुरु बोले वह करिए आप, निषेध है जो ना बोले वो मत करिए, आज्ञा पालन करिए। हर जगह विधि निषेध हो गया, लेकिन इन लोग विधि निषेध को नहीं मानते। प्रवृत्तिम च निवृत्ति, मतलब जगत के साथ धर्म नाम की चीज, धर्म मतलब जानते हैं ना, दैट मीन्स मेंटेन्स कॉस्मिक हार्मोनी, कॉस्मिक हार्मोनी है, कॉस्मिक म्यूजिक है, एक संगीत चल रहा है, उसका नाम धर्म है, एक ऑर्डर है। ये होगा तब ये होगा, ये होगा तो ये नहीं करना है, ये करना है ये नहीं करना है, एक हर जगह एक ऑर्डर है। पूरे शरीर में धर्म है कि नहीं है बोलिए ना। आँख जो है नहीं खाना खाएगी, आपको खाना मुंह से ही खाना पड़ेगा, कान से नहीं। और जो लोग एकदम पास हैं, इंटरफियर बिल्कुल नहीं करते, नाक ने कहा भाई हमारा डिपार्टमेंट केवल सांस लेने का और स्मेल करने का है, हाँ आप हमको बोले देख नाक से नहीं पढ़ सकते। तो पूरे शरीर में धर्म है, जब धर्म होता है तो कोई चीज़ बंधी रहती है, कोई चीज़ एक म्यूजिक में रहती है। उन्होंने ये किया, उसके बाद उन्होंने ये किया, उसके बाद इन्होंने ये किया, हम लोग एक दूसरे परस्परम भावयंता है। लेकिन जब धर्म नहीं रहता है तो व्यक्ति कुछ भी करे, चलो पी के आ रहे एकदम शाम को रात को एकदम पी के आ रहे, रात को एकदम पी के आए हैं, रोज रात को एकदम चढ़ी रहती है, अब बताओ धर्म है? ये तो धर्म हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इससे दूसरे का अधिकार खत्म कर दिया। जब आप में तो आपसे दूसरे को प्यार प्राप्त करने का भी अभी अधिकार है और आपको प्यार देने का भी कर्तव्य है। प्राप्त करना और दोना देना दो, यही एक म्यूजिक होती है दो रिलेशन रिलेशन के बीच। और अगर ये किसी के पास ये प्रवृत्ति निवृत्ति ना हो तो उसका ये चला जाता है, जो सत्य हो चला जाता है। फिर आप बोलिएगा हमें इसको देना ज्यादा पड़ा, बोलो मिला बहुत कम इससे, उसी का नाम होता है लाइबिलिटी। या हो सकता है वो गलत काम भी कर जाए तो ये असुर हो गया। फिर अब सीता जी को लेने की क्या जरूरत थी रावण को, वहां से उसको निवृत्त होना चाहिए था। राम जी को वनवास भेजने की क्या आवश्यकता थी, वहां से निवृत्त होना चाहिए था। जो आपकी एरिया नहीं है वहां मत करिए, न शौचम ना पिचा चारह, वहां चाचा जी नहीं रहते, न शौचम ना वहां पे शुद्धता रहती है, न सत्यम तेषु विद्यते। तो व्यक्ति के अंदर वो एक जो इसके अंदर किसी की कीमत ही इसीलिए है क्योंकि इसको जो काम करना था, जो इसका रोल था, इसने बहुत अच्छे से किया है। चाहे वो पति हो, एज अ पति
हमने बहुत अच्छे से पति का रोल अपनाया, एज अ पत्नी हमने बहुत अच्छे से पत्नी का रोल लिया है, एज अ सन हमने बहुत अच्छे से किया है, एज अ डॉटर बहुत अच्छे से अपना रोल हमने निभाया है, एज अ शिष्य हम बहुत अच्छे रहे हैं। जानते हैं कैसा किसने बोला? नचिकेता। जब उनके पिता ने कहा जाओ मृत्यु, जाओ गो टू डेथ, मृत्यवे त्वाददामी, वहां श्लोक आता है बहूनामेमि प्रथमः बहूनामेमि मध्यमः किम स्विद्यमस्य कर्तव्यम यत् मयाद्य करिष्यति। बोले हम टॉप रहे हैं, एट द मोस्ट सेकंड रहे हैं, हम थर्ड क्लास नहीं रहे कभी भी। अब उनको ने बोला है कि मृत्यु के पास जाना है, हमको जाना है, लेकिन ये जो व्यक्ति होता है, जब आप नहीं देते जो एक्सपेक्टेड था, तब तो फिर काम नहीं चलेगा, आपकी वैल्यू ही नहीं रहेगी वहां पे। एक नौकर भी अच्छे से काम करता तो आदमी रिटेन करता है कि थोड़ी इसकी सैलरी बढ़ा दो, उसको रिटेन कर लो। वो बोलेगे नहीं, हम घर जाना चाहते हैं बाबूजी। क्या हो गया, क्यों घर जाना चाहते हो? नहीं अब घर का बहुत काम है ये। बोले कितना तुमको पैसा बढ़ा देते हैं ना तुम्हारा, अभी तो 5,000 तुम्हारी सैलरी, 5,000 ठीक है ना, ये और होती है, और होती 10,000 कर दें, 15, चलिए 15 कर देते हैं। बोले तुम्हारी हम तनख्वाह बढ़ा देते हैं, 16 कर दें तुम्हारा। बोले नहीं नहीं हमें काम नहीं करना, चलो कितना कर दें। उनका पता है कि हम इसके भरोसे पूरा घर छोड़ कर आते हैं, हमारा पैसा हमारा कपड़ा सब कुछ वैसे ही रहता है जब हम आते हैं, हमें आपकी कीमत ही यही है, आपको एक सिस्टम में रखा गया, देयर यू आर सपोज टू डैश गिव समथिंग स्पेसिफिक, यू हैव टू गिव समथिंग स्पेसिफिक। ऐसी चीज नहीं है आप यहां आए हम यहां भांगड़ा करें बल्ले बल्ले, अब ये तो नहीं कर सकते हम आपको भांगड़ा सिखाएं या कथक सिखाएं ऐसे से करके, ये तो नहीं कर सकते। हमें स्पेसिफिकली गीता पर ही बोलना है, यू आर कमिंग विद अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन। पंचतंत्र की कहानी नहीं सुनना आपको, एक मां से स्पेसिफिकली मांगा जाता है कि आप ये दो, एक बेटे से स्पेसिफिकली, एक टीचर से स्पेसिफिकली मांगा जाता है कि आप हमको ये दो। आप कोई हाई नहीं बोल रहा है, एक पति से मांगा जाता है कि आप अच्छे पति बनिएगा। अच्छा हाँ, अच्छे पति मतलब क्या भाई दो में? अब क्या बोलें, आप आज ना झगड़ा करिएगा हमसे, हम यहां बोलते हैं लोग बदला वहां लेते हैं। मतलब अच्छे पति बनने का मतलब है कि आप पत्नी को सबको सुरक्षा दीजिए, धन दीजिए, और एक एक मॉरल सपोर्ट, आपको देख के लगे कि धार्मिक है, हमें इन्हीं की तरह बनना है, इज द पिलर ऑफ द हाउस। अच्छा चरित्र अच्छा हो, उपासना अच्छी हो, बोल चाल अच्छा हो। अच्छी पत्नी का मतलब क्या है? बहुत प्यार हो, बहुत सेवा हो, दो पहिए ही है तो वो रोल बहुत ही निभाना मुश्किल है, अच्छे स्टूडेंट बनना बहुत ही मुश्किल है, अच्छे टीचर बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली कुछ देना पड़ता है। तो नहीं दे तो, नहीं दे तो फिर आप क्या बोले, आपको भी नहीं मिलेगा। आपने किसी को डिप्राइव किया अपने प्यार से, किसी को डिप्राइव किया अपने आदर से, किसी को डिप्राइव किया अपने अटेंशन से, ये तो आसुरी हो गया फिर। न शौचम न पिचाचारः असत्यम तेषु विद्यते,
क्यों भाई? हक बनता है किसी के साथ आपका रहने पे। यू हैव अ राइट, होप आई एम राइट, यू हैव अ राइट। आपने राइट नहीं दिया उसको। जो आसुरी होगा, अभी एक अच्छा बच्चा अधिकार देगा कि माता पिता ने हमको दिया है, अब नाउ इट इज माय टर्न, हम अधिकार देते हैं आपको। आप जाइए केदारनाथ वगैरह, अभी भी दिखते हैं कुछ बच्चे अपनी माँ को यहाँ पे लेके चले जा रहे हैं अमरनाथ में। अमरनाथ असत्यम अप्रतिष्ठम ते, अब हम संक्षेप करेंगे, बहुत नहीं बोलेंगे। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम। अरे बोले क्या है ये जगत वगत कोई सत्य है? ये सब शास्त्र वगैरह सब झूठ झाट है। अरे अप्रतिष्ठम मतलब धर्म की कोई कोई प्रतिष्ठा, इट इज ऑल जस्ट गोइंग ऑन बाय लक। कोई भगवान भगवान है? किसने भगवान को देखा स्वामी जी? आता ये सब तो कमजोर मन ने बना दिया है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस कम था उन्होंने भगवान की कल्पना कर लिया। ईश्वर इज ए इमेज फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द पीपल हु डोंट हैव कॉन्फिडेंस स्वामी जी। अच्छा तो जो वेद वगैरह है ये तो ऐसे ही लिख दिया किसी पंडित उंडित ने लिख दिया दक्षिणा लेने के लिए। कहा है आप वेद वेद कहा है कुछ? अच्छा गीता रामायण, अरे तो ऐसे ही लिख दिया। तो ध्यान वालों इमेजिनेशन कि जगत हुआ कैसे? आप परस्पर संभूतम, स्त्री पुरुष के मिलने से और क्या कारण हो सकता है? वेद को नहीं मानते और कोई इसमें चिंतन नहीं किया उन्होंने। ये सब जाइएगा बाहर ना तो आपको सुनने को मिलेगा। ये सब हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। बोले आप कहाँ गए थे? बोले हम कैंप में गए थे। अच्छा ट्रैकिंग कैंप? नहीं नहीं ये हाइकिंग कैंप या वो जो ऋषिकेश में थे क्या नाम उसका, राफ्टिंग कैंप। कहाँ गए थे तुम? बोले नहीं नहीं राफ्टिंग कैंप बना नहीं, हम तो गए थे भगवद गीता 18 दिन में 18 अध्याय 18 दिन 18 अध्याय ये कैंप था। बोले तुम 18 दिन वहां कोई ट्रैकिंग वगैरह कुछ नहीं थे? नहीं। तो 18 दिन तुम गीता सुन रहे थे? आए राम गीता में क्या रखा हुआ है? हाँ अरे वही तो गीता ना, इसमें उसे कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो, वही है ना जो कैलेंडर आता है, कर्म करते चलो फल की। भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, रथ है एक बड़ा सा ऐसे करके खड़े हैं दोनों अर्जुन और के, वही वाला ना। तो वही वही गए थे? क्या हो गया तुमको? डिप्रेशन में हो क्या? कोई बात है पर्सनली, कोई गम वगैरह है, कहीं कुछ वर्ल्डली लोगों की बात बता रहे हैं आपको, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, ऑफिस में जाओ, ऐसे हंसेंगे ना? एक मुस्लिम नहीं हंसेगा अल्लाह के नाम पे जितना एक हिंदू हंसेगा। हाँ उसके लिए अल्लाह सब कुछ है, और हम लोग अपने राम और कृष्ण गीता की बुराई करने पे उतारू हो जाएंगे। वो नहीं करेंगे जितनी हम लोग करेंगे, उसके लिए तो अल्लाह देश से भी बड़े हैं, कुछ नहीं उसके सामने। हाँ नथिंग डूइंग। और हम लोग सो कॉल्ड लिबरल्स, पागल सो कॉल्ड, पिटाई होगी जब कुटाई होगी तब पता चले कितना लिबरल है मैं। मतलब हमारा कोई सिद्धांत नहीं है लिबरल, मतलब आई हैव नो फीट। एनीवे टॉपिक वो है, मामला गर्म हो जाता है तो अब आप हमको बताओ, आप हमको बताओ, उनसे पूछो। बोले वेद वगैरह क्या, ये सब तो किसी ने लिखा है? व्हाट इज द प्रूफ कि वेद ऋषियों ने लिखा है? व्हाट इज द प्रूफ, प्रूफ क्या है इसका? किसका? वेद का। अरे वेद प्रमाण है। कौन है? क्या बोला तुमने? मान है प्रमाण, प्रमाण ये किसका, किसी लेडी का नाम है? नहीं नहीं नहीं, ये प्रमाण मतलब होता है मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण है वेद। अच्छा
अच्छा तुम फंस गए, अच्छे तुम फंसे वहां। ऐसी बात आप सुनिएगा, याद रखना हर चीज के पीछे, अभी हमने 15 अध्याय आपने सुना है, हर चीज के पीछे ढेर सारे थॉट हैं कि वेद क्या है, गीता क्या है, कर्म क्या है, कर्मयोग क्या है, अगला जन्म कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों होगा, ये सब आपने सुना हुआ है। ऐसा नहीं कि ऐसे सब अलर्ट अप बोल दिया गया है। अच्छा तुम पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, पूछेंगे ऐसे। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम पिछले जन्म में विश्वास करते हो? हमें तो पता नहीं, पता नहीं, नहीं ये हमारा फर्स्ट जन्म हो सकता है। अच्छा तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, इसके बाद नहीं होगा, कौन जानता है, नो साइंटिफिक प्रूफ ऑफ एनीथिंग, ऐसी सी बात करेंगे। सब के पीछे घंटों सोचा गया है, अगर पुनर्जन्म ना होता तो परिस्थिति सबकी अलग अलग क्यों होगी, अगर पुनर्जन्म नहीं होगा तो सबका स्वभाव अलग क्यों होगा, स्वभाव परिस्थिति बताती है कि आपका पिछला जन्म हुआ था। क्यों एक राजा क्या पैदा हो रहा है, एक भिखारी बन रहा है, कोई एक ही घर में दो बच्चे आप लोग देखेंगे दो तरह के होते हैं, आप लोग के दो दो तीन तीन बच्चे दोनों अलग तरह के होते हैं, एक कहीं पढ़ाई में अच्छा होता है, कहीं इतनी पढ़ाई में नहीं अच्छा होता है, कोई बहुत ओबीडियंट होता है, कोई नहीं होता है। अगर उसका स्वभाव है, स्वभाव तभी बनता है जब कर्म होता है, बिना कर्म के स्वभाव नहीं बदलता है, बनता है। सबके पीछे बहुत तर्क है भैया, लेकिन हम लोग आसानी से हमको कोई उड़ा ले जाएगा, असत्यम कुछ नहीं है यहाँ पे, अप्रतिष्ठम कोई प्रतिष्ठा नहीं जगत की, कोई ईश्वर नहीं। अच्छा 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 अब आपसे हम प्रश्न करते हैं, जगत का ईश्वर क्यों होना चाहिए? हमने कई बार इसको बोला भी है यहाँ पे, हाँ होल्डर भी है और एक अचिंत रचना है जगत की, जहां पे इंटेलिजेंस दिख रहा है। इंटेलिजेंस उस ऑब्जेक्ट का नहीं है, याद रखिएगा, इंटेलिजेंस क्योंकि ऑब्जेक्ट छोड़ देता है, कोई सुपर इंटेलिजेंट होना चाहिए जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बनाता है किसी किसी फल को पैदा करने के लिए। कर्मफल क्यों मिलेगा अगर ईश्वर नहीं होगा तो आपका कर्मफल कौन देखेगा? बहुत लंबा लंबा है ये सब, तो उन लोग तो कुछ सोचते हैं नहीं, बिना सोचे उन्होंने अश्रद्धा के कारण मान लिया कि नहीं है। और याद रखना ये सब विषय इंद्रिय गोचर नहीं होता है, इट कैन नॉट बी सीन बाय द आईज, आत्मा कैन नॉट बी सीन बाय द आईज, माइंड कैन नॉट बी सीन बाय द आईज, आंख से नहीं देख सकते उसको, हर चीज आंख से नहीं दिखा सकता। आपका मन हम नहीं देख पा रहे आंख से, हम आपको देख नहीं पा रहे कि आपकी क्वालिफिकेशन कितना ही नहीं, इसका मतलब ही नहीं क्वालिफिकेशन नहीं है। ओह बोले कुछ भी करो, खाओ पियो मस्त रहो, क्या है, कहाँ है, कहाँ तुम बड़ा, मतलब तुम मान रहे हो कि जो परिस्थिति आ रही है इफेक्ट है, हाँ इफेक्ट है, तो इसका कोई कॉज नहीं होगा, नहीं लक है, हाँ मतलब ये कैसा जगत है तुम्हारा, किसी का लक हो गया, कोई बड़ा बन गया, कोई छोटा हो गया, मतलब कुछ कॉज इफेक्ट नहीं कहीं पे भी, कहीं पे कुछ नहीं है, मतलब मरने के बाद जो फल क्या नहीं मिलेगा, नहीं तो शरीर कौन छोड़ता है? हमको क्या पता, तुमको कुछ भी नहीं पता है, शरीर जो छोड़ता है कौन होता है, कुछ जीव करके आत्मा करके होता है, तो आत्मा कौन है, शरीर के बाहर के अंदर है, अंदर है, अब फंस गया वो। हम लोग इस पे घंटों सोचते हैं, लेकिन एक पढ़ा हुआ, जस्ट बिकॉज यू हैव इंजीनियरिंग डिग्री, यू हैव मेडिकल डिग्री, यू हैव लॉ डिग्री, यू आर एन IITian और यू आर इन श्रीराम और क्या नाम है उसका, दिल्ली वाली यूनिवर्सिटी जो बदनाम है, क्या नाम, JNU, सब कम्युनिस्ट आ गए वहाँ, उन्होंने कुछ बोलना शुरू कर दिया, हमने कुछ ही मान लिया। ये दृष्टि उनकी, हरित श्रद्धा करो थोड़ा सा, एक आत्मा होती है, एक चैतन्य होता है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानुअल्पबुद्धयः प्रभवन्त प्रभवत्यंत उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। ऐसी दृष्टि में आके नष्टात्माना, ये अपना नुकसान कर लेते हैं, क्यों क्यों अच्छा कर्म ही नहीं करेंगे, अल्पबुद्धयः बहुत छोटी बुद्धि वाले हैं, उग्र कर्माणा मारेंगे भागेंगे,
और ये जो एक धर्म है ना बिगाड़ देते हैं, क्योंकि धर्म इज बेस्ड ऑन माई राइट इज योर अधिकार, माई राइट इज योर राइट इज माई ड्यूटी, माई योर ड्यूटी इज माई राइट, जो आपस में एक ट्यूनिंग होती चली जाती है। और सुनिए इनके बारे में, काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रायात् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। बहुत कामना रहेगी, बहुत कामना, बोले इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी फैक्ट्री निकाल रहे हैं। अच्छा हाँ, चेतन और शरीर अलग अलग एक एक है, हाँ अलग है कि एक है, चेतन और शरीर अलग है। कितना सुना आपने, कितना तो सुना, चेतन और शरीर अलग अलग है। अच्छा बहुत अच्छी बात है, अगर ये अलग अलग है चेतन और शरीर, तो चेतन शरीर के अंदर है कि बाहर है? अगर कोई चीज बंधी हुई है, हम फिर रिपीट कर रहे हैं आपको सारी है, अगर कहीं कोई हेल्ड है तो धर्मी होना चाहिए, होल्डर होना चाहिए। अगर ब्रह्मांड हेल्ड है तो उसका एक होल्डर ऑफ ब्रह्मांड होना चाहिए, उसी का नाम ईश्वर है, विराट है। कितने बार तो रिपीट किया इसको इस। अच्छा कुछ परिस्थिति आ रही है तो हम हमारे फल को कोई जान के दे रहा है, लेकिन उसको ये सब दृष्टि से, क्योंकि श्रद्धा नहीं है और पुण्य नहीं है, श्रद्धा भी नहीं और पुण्य भी नहीं है, इसलिए उसको कुछ समझ में नहीं आता। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान विताहा। अरे हम सब जानते, तुमको क्या बताया, आई नो एवरीथिंग। दंभ है, मोहात गृहीत्वा, मोहात मतलब मोह से उन्होंने, अशुचि व्रता मोह से सब माना है। अच्छा और सुनिए, चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। बहुत चिंता है, चिंता के दो ही तीन कारण हैं, बताइए क्या क्या कारण है। एक कारण तो यह है कि ईश्वर पर विश्वास है नहीं, तो कई इश्यू हम छोड़ नहीं पाते भगवान पे। दूसरा कारण है कि कहीं अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। तीसरा कारण है कि व्यक्ति बहुत एम्बिशियस है, इज टू एम्बिशियस, और उसको पता है कि इच्छा पूरी नहीं होगी हमारी। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः, ठीक है, कामोपभोग परमा, सबसे बड़ा हमारा काम भोग है बस। अच्छा, रावण को चिंता बहुत रहती थी, कंस को चिंता इतनी थी, गिर पड़ता था वो। और सुनो, आशा पाशश तैर्बद्धा काम क्रोध परायणा। आशा का पाश है, पाश ये हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा, उसके बाद वहाँ चले जाएंगे, उसके बाद वहाँ चले जाएंगे। आप मॉडर्न लड़कों से मिलिए, उनको देखिए क्या आशा उनकी होती है, जो निकलते हैं ना ट्वेल्थ से, मतलब सिस्टम ही उनको माता पिता बोलते रहे देखो तुमको ये करना है, तुमको यू हैव टू क्रैक दिस इंजीनियरिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और तुम खुद ही क्रैक हो, तुमको इंजीनियरिंग क्रैक है, यू टू क्रैक मेडिकल, पढ़ो लिखो खूब पैसा कमाओ, आशा पाश, और फिर तुम्हारी खूब अच्छी शादी होगी, हो तो तुम ऐसे ही लेकिन शादी अच्छी करवाएंगे, खूब खर्चा करेंगे शादी में। क्या क्या माता पिता के आजकल के एम्बिशन होते हैं, बता रहे थे क्या क्या शादी होती है, अभी उसके भी आते हैं। हंते काम भोगार्थम अन्यायन, कैसे भी करके पैसा कमाओ, और सोचते हैं 13, 14, 15 में उनकी सोच बताई है, इदम अद्य मया लब्धम, हमने ये प्राप्त किया है, अच्छा अब और प्राप्त करेंगे, फिर हम और पैसे वाले हो जाएंगे, हमने पहले मार दिया था उस शत्रु को, अब मारेंगे ईश्वर, हम भोगी हैं, कौन ने उसी सदृशों में, देखो 15 श्लोक देखो, हमारे तरह हम तो बहुत, हमारे में हर काम में जो फाइन टच है ना स्वामी जी। अच्छा आप हमारे घर आइए, देखिए हर चीज़ इतना फाइन, एकदम एकदम बहुत, हमारा एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है।
एकदम हमारा फॉल्स सीलिंग अभी बनवाया है एकदम, देखिए उसमें गोल्डन कलर की फॉल्स सीलिंग है। हर चीज़ आपकी फॉल्सी है क्या? नहीं नहीं नहीं, सीलिंग सीलिंग फॉल्स है, सीलिंग फॉल्स। ये देखिए क्या बढ़िया हमारा शर्ट है या क्या साड़ी, ये जरी का काम है, इसमें जरी होता है ना एक काम। अच्छा तभी तुम जरे भुने हो। नहीं नहीं वो नहीं, ये सब आदमी अपने आप को देखा था कि हमारे तरह कोई है नहीं, कौन नहीं उस दृश्यों में आ, एकदम बेस्ट हम यक्ष, हम यजन कर रहे हैं। देखिए हम अगले महीने 24 घंटे का हमने रामायण पारायण लिखवाया है। अच्छा तुलसी पारायण, हाँ अच्छा हाँ, मंडली बुलाइए। किसकी मंडली? पारायण करेगा। अच्छा हाँ 24 घंटे लगातार, तो अब वो उसमें एमएलए भी आएंगे, नाश्ता पानी भी होगा, मिनिस्टर भी आएंगे, ये भी होगा, इट इज मोर अ शो बिजनेस। यक्ष यजन करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे? देखिए क्या, और बाहर लाउड स्पीकर लगा देंगे, अब लो बड़ा सा लाउड स्पीकर रहेगा, देवी पूज बद बदाना वो सब सुनेंगे आसपास वाले। पता नहीं अब तो अलाउड नहीं है लाउड स्पीकर, अलाउड है ना? ना योगी तो मना कर दिया, हाँ चलना अभी भी। अच्छा खूब, और जिन्होंने करवाया वो कभी बैठते भी नहीं 24 घंटे में। हम कहें भाई सुनिए भाई मिसिर जी, हाँ आप भी बैठिए। बोले सुनिए वो आने वाले हैं बगल में, गुप्ता आने वाले हैं, उनको रिसीव करना है ना, वो बैठे हैं हाँ। और रात में आया सुंदरकांड वगैरह, 24 घंटे में रात के समय आता है सुंदरकांड लंगा। अब जो वहाँ कमी पड़ती है उस समय, कोई रहते नहीं, सब सो जाते हैं, और जो लोग अंदर रहते हैं वहां पाठ करने वाले, हाँ वो झूमते रहते हैं। स्पेशली 12-3 वाला बड़ा बढ़िया होता है। जावंत के वचन सुहाए। अब आप सोचो कि कहां उसके बाद क्या हनुमान जी पहुंच गए क्या? एकदम चुप, फिर 5 मिनट बाद सुनियो मंद वचन अति वाह, हम समझ जाते हैं सो गए। ये सब खुद इतना देखा है हमने, यक्षे दास्यामी खूब पैसा लुटा देंगे हम, मोदिष्य इति अज्ञान मोहिता, मतलब इनकी जो पूजा पाठ है मोर ये है दिखाने के लिए, रादर देन कुछ करने के लिए। और शादी वादी में तो अब क्या क्या हमको बताया जा रहा था उस दिन, जो पंडित के वर्ग के अलावा सारी चीज बढ़ गई है। पंडित से कहेंगे भाई आप शॉर्ट में करिए, रस हो जा आज, संक्षेप में करिए, जल्दी आप ख़त्म करिए। और ड्रोन से शूटिंग होगी, और ब्राइड और ग्रूम आएंगे हाँ, और क्या क्या पहनते हैं, फिर ये होगा, फिर वहाँ वो शूट का बड़ा आजकल क्रेज हो गया, ना चेहरा देखने लायक ना कुछ, और फोटो इतनी है, और सब मेकअप के लिए जाएंगे, सब बाहर जाएंगे, ये सब होगा, खूब पैसा इफरात खर्चा करेंगे उस पर। मतलब ऐसा हमने सुना, हम तो गए नहीं भाई। और हजार तरह का खाना रहेगा, तरह तरह की स्वीट डिश रहेगी, ब्राइडल ड्रेस होता है, फिर क्या मेड, क्या ब्राइडल मेड, हाँ ब्राइड्स मेड, ये सब तो बाहर वालों के क्रिश्चियंस के लिए लिया इन लोग ने, ब्राइड्स मेड, और अच्छी खासी लड़कियां हैं वो सब। हमें लगा कि वो सब नौकरानी है, लेकिन हमको बताया नहीं, वो ब्राइडल मेड वो नौकरानी नहीं है, वो सच में लड़कियां हैं, ठीक ठाक उन्हीं की संबंधिनी कोई होंगी ऐसी। बताओ मेड बना दिया गया, सब
रजोगुण तमोगुण घुसरा है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समान्विता पतंती नरके शुचौ, भगवान गुस्से में आ गए, बोले इनको नरक में डाल दिया जाता है। आत्मसंभाविता स्तब्धा, ये लोग बहुत अकड़े रहते हैं, अकड़ हम ही सही है, अकड़ समझते हैं ना, हाँ हमने जो बोल दिया बोल दिया, हमारी बात काटो मत, अगर तुम काटोगे तो हम तुम्हारी बात काटते चलेंगे। झुकता नहीं व्यक्ति, अपने आप को दबाता नहीं है, थोड़ा सा स्तब्धा यजन्ते, भगवान ने यहां तक बोल दिया, नाम यज्ञ ही, नाम का यज्ञ कर रहे हैं, देख रहे हैं। 17वां श्लोक 17th, अहंकारम बलम दर्पम, ओहो भगवान बस करिए, बहुत डांट रहे हैं आप, बहुत डांट रहे हैं, नहीं अभी तो बाकी थोड़ा सा, मेन अभी तो पीक आना बाकी है। मामात्म परदेशु प्रदेश, ये द्वेष करते हैं किससे, लोगों से नहीं करते, हमसे करते हैं, जो लोगों के अंदर हम बैठे हुए हैं। मम देखो ना, माम आत्म परदेशु प्रदिश्वंता, हमसे द्वेष करते हैं, इसी को हम कई बार बोलते हैं, हम दूसरे से नहीं करते, यू आर हेटिंग गॉड। फिर आप उनको क्या करते हैं, बोले वो क्रूर हैं, क्षिपामी अजस्रम, हम उनको फेंक देते हैं उठा के। 19वां श्लोक देखो, बाप रे भगवान, आप बोले ना कि हम उनको भेज देते हैं, बोले उठा के फेंक देते हैं हम, कहाँ आसुरीश एव योनिशु, और वो मूर्ख लोग ओहो आसुरी योनि में जाके हमको नहीं प्राप्त करते हैं और अधम गति में आते हैं। अच्छा भगवान थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए, बस आप शॉर्ट में बताइए, ये सब प्रॉब्लम होती क्या है, इसकी जड़ क्या है। अब ये श्लोक 21वां 22वां आपको याद करना पड़ेगा, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणम् ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहारसि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। भगवान ने ऐसी बात बोला, देखिए बोले तीन नरक के द्वार हैं, त्रिविधम नरकस्येदम, जो अपना नाश करते हैं, काम क्रोध ठीक कर लिया इसको ना, हाँ बोले कैसे नरक के द्वार है भाई, दब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, करें बोले करिए, समय तो है अभी, मतलब एक्स्ट्रा टाइम वाला समय है। देखो जो कामना होती है ना, हर आदमी का एक प्रारब्ध है जिसमें अपनी कामनाओं पूरी कर सकता है, इतना पैसा है आपके पास, ऐसे पति हैं, ऐसे पत्नी हैं, ऐसा बच्चा है, ठीक उसमें शायद आपकी कोई चीज कम हो, शायद कोई चीज ज्यादा हो,
अगर जितना प्रारब्ध है उस हिसाब से हमारी कामना है तो आपकी लाइफ ठीक रहेगी। लेकिन जो चीज हमारे प्रारब्ध में नहीं है हम उसकी कामना जब बहुत करते हैं तो जानते हैं क्या होता है, दो चीज हो सकती है, या तो हम धर्म छोड़ के कुछ उस कैसे भी करके उस कामना को पूरी करेंगे, आई विल क्रॉस माई लिमिट्स, और जैसे ही आप क्रॉस करेंगे अपनी लिमिट्स को वैसे ही दूसरे का प्रारब्ध, आप यू आर एंटरिंग इनटू समबडीज एल्सेस जॉय, फिर वो झगड़ा करेगा आपसे। तो आदि भौतिक रूप से परिस्थिति रूप से यू आर इनटू अ फाइटिंग जोन नाउ, और मन में द्वंद्व क्यों होगा कि कैसे लिया जाए इसको। रावण के पास सब कुछ था बस एक काम ज्यादा था, इसीलिए उसका जीवन नरक हो गया। यू आर गिवन दिस मच ओनली यू कैन एंजॉय, यू कांट एंजॉय मोर देन दिस। बोले बट आई वांट इट, यू कैन ट्राई बट यू मे नॉट हैव इट। बोले आई हिट यू हु डू एनीथिंग, यू कैन नॉट हैव इट आफ्टर दिस, दिस इज योर बाउंड्री लाइन। और ज्यादा कामना होने पे फिर व्यक्ति जो है चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, फिर अब उसके बाद सारी समस्या आएगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना, काम क्रोध तथा लोभ। तो ये काम का नेचर है। बोले फिर हमारे अंदर काम नहीं होना चाहिए, उतना ही हो जितना की प्रारब्ध। बोले हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, कैन आई डिजायर, कैन आई बी एम्बिशियस, कांट आई हैव अ प्रोजेक्शन, कांट आई बी मोर एम्बिशियस टू हैव मोर मनी, मोर फेम, मोर। यू कैन बट आपको पता चल जाएगा कि आपके काम प्रयत्न करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दिस मच ओनली आई वुड हैव गॉट। और मान लीजिए कि हमने बहुत प्रयास किया और इतना ही मिला, हम इतना चाह रहे थे, तो जो नहीं मिला होगा वो माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। और अगर ज्यादा कामना हुई तो हम जो है अधर्म कर लेंगे उसको, इसीलिए इसको नरक बोला गया। थोड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में कि नरक बोल दिया उन्होंने, क्रोध तो नरक ही है, ये तो आप लोग को पता है, क्योंकि जिस पे हमने क्रोध किया वो नहीं बदलने वाला, दैट पर्सन वॉन्ट यू। लेकिन हमारे मन के अंदर जो रेजिस्टेंस है किसी चीज के लिए, जो रिएक्शन और रेजिस्टेंस है, हाँ वो नहीं जाएगा। एक परिस्थिति के प्रति आपका एंगर है, हाँ वो परिस्थिति नहीं बदलेगी, जो आपका एंगर है वो बना रहेगा और आपके अंदर एक बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। क्रोध इसलिए आता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आपका अहंकार था, नहीं हुई पूरी, तो हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो जो आपके पास एक शांति थी, एक मौज थी, एक खुलापन था और सोचने की कैपेसिटी थी, वो सब खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जब गुस्सा आता है तो आप रिफर नहीं कर पाते कि सही क्या है, गलत क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ, ईश्वर कौन है, गुरु कौन है, आत्मा क्या है, गीता ने कहा, कब क्या बोला था। एक व्यक्ति का दोष या एक परिस्थिति की गलती, वही बार बार याद आती रहती है, उसी को बोलते हैं क्रोध। और लोग जितना धन है हम उससे ज्यादा चाहते हैं, ओवर एम्बिशियस हो गए। रामायण में तीनों है, बताओ। नो, ये नहीं पूछ रहे हैं, लोभ मंत्रा में था, देखो पूरा अयोध्या नरक हो गया, काम रावण में था और क्रोध सूर्पनखा में था। अगर मंत्रा में लोभ ना होता तो खुश हो जाती, भाई ठीक है हम लोग राम जी को राज मिलना चाहिए,
कि कई को कितना दुख हुआ उसके बाद, रावण को कितना दुख हुआ, केवल इसके बाद पूरी लंका खत्म हो गई, सूर्पणखा की नाड़ कट गई, पता नहीं मरी की बात पता नहीं चला क्या हुआ। अगर सूर्पणखा सीधे सीधे जाके बोल देती आपको, तब नाक वाक नहीं कटती, पता नहीं प्लास्टिक सर्जरी कराया क्या है, कहीं लिखा नहीं क्या हुआ उसका आगे। यू आर नॉट इन योर सेल्फ, इन योर एलिमेंट यार। तो क्या हमें बहुत पैसा नहीं सोचना चाहिए, फिर हम गलत कर रहे हो। शुड और नॉट, आई शुड नॉट बी एम्बिशियस रिगार्डिंग मनी, यू कैन बी, बट व्हाट विल कम टू यू, यू शुड नॉट गेट डिस्टर्ब, क्यों, इससे ज्यादा नहीं है आपके भाग्य में। अगर तुम गलत तरह से कमाओगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, वो आदमी कह में बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर, क्यों, अरे ऐसा क्यों है, हमारी बात सुनते क्यों नहीं है। हा हा हा, अब आपने पूरी सृष्टि में एक व्यक्ति के दोष को ही सब कुछ मान लिया। सृष्टि में भगवान है, गुरु है, शास्त्र है, साधना है, ठीक, नरक नहीं हो गया। नरक मतलब भाष्कर लिखते हैं पुरुषार्थ योग्यो न भवति, कुछ कर नहीं सकता व्यक्ति उसके बाद, त्रिविधम नरक। इसीलिए जो अपना श्रेयस चाहता है अर्जुन, इसका त्याग करना चाहिए, द सूनर द बेटर, क्यों, कोई फायदा नहीं होगा। पूरी महाभारत इसी के लिए हुई। अगर युधिष्ठिर जी के मन में लोभ ना होता तो क्यों वो इतना ज्यादा जुआ वगैरह खेलते, वो समझ जाते उसकी चाल। अगर वो नहीं खेलते द्यूत क्रीडा, बहुत बच सकते थे इन लोग, या दुर्योधन बच जाता अगर वो कहते हैं भाई हस्तिनापुर तो है हमारे पास, आप इंद्रप्रस्थ रखिए। लोभ से इतने लोग मारे गए, एक वृत्ति ने इतने लोगों को मारा, एक वृत्ति ने। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इसीलिए शास्त्र मतलब मैनुअल ऑफ लाइफ है, ये मैनुअल है लाइफ का, कैसे रहना है, शादी कैसे होती है, क्या रिचुअल होता है, क्या ब्रह्मचारी का धर्म है, क्या गृहस्थ का धर्म है, क्या सन्यासी का धर्म है, वो शास्त्र बताएंगे। और जो उसको छोड़ के कुछ करेगा, क्योंकि भगवान ने दुनिया बनाई है, उसको न सुख मिलेगा न अगला जन्म मिलेगा। अब ये अंडरलाइन कर लें या स्टिक कर लें, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। देखा आपने, बोले हम नहीं मानते, तुम कौन हो नहीं मानने वाली बात करते हो, रामायण पाठ का फल होता है, बिल्कुल होता है, 24 घंटे पाठ करने फल होगा, बिल्कुल होगा। हमने कितने ऐसे लोगों देखा है जो 24 घंटे लगातार रामायण का पाठ करते हैं, खुद बैठ के करते हैं 24 घंटे, 24 घंटे से कम समय में खत्म हो जाता है वो। मैं सोचे कि सब पहले वाले की तरह हैं, कुछ बहुत सात्विक भी होते हैं, पूजा भी करते हैं अच्छे से। शास्त्र बताएगा कि क्या, व्हाट इज योर ड्यूटी, व्हाट इज नॉट योर ड्यूटी, और उसको करके आपको, हाँ बताइए, ये कपड़ा ऐसा सन्यासी होना चाहिए, ये कौन बताएगा। बोले नहीं, आप जो है थोड़ा टी शर्ट पहन लेके आइए, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है। भाई शास्त्र ने बताया हमारा कपड़ा क्या है, शास्त्र मतलब शासनात् त्रायते इति शास्त्रम, जो शासन करके बचाए उसको शास्त्र बोलते हैं। तो शास्त्र जो है हमको एक तरह का, जिसको बोल सकते हैं ना, यहाँ लाइट दिखाता है और आपको बताता है कि ये, क्योंकि जो धर्म और मोक्ष का विषय है ये अतींद्रिय है,
इंद्रिय गोचर नहीं है, यू कैन नॉट नो इट। गवर्नमेंट नहीं बताएगी इसको, ना लीगल पैटर्न में पता चलेगा, ना सुप्रीम कोर्ट बताएगा। आप दृष्ट प्रमाण में काम कर रहे हो, आपको क्या पता वहां का क्या नियम के क्या होता है। सास बताएगा कि हमें एकादशी का व्रत रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, अगर रहना चाहिए तो कैसे रहना चाहिए एकादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत कैसे रहना चाहिए। आप लोग कई लोग एकादशी से ले कह रहे हैं क्यों नहीं ये खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए। आई मीन यू सास हैज डिसाइडेड अ रूटीन फॉर यू कि आप सुबह उठ जाइए, सुबह उठने के बाद आप स्नान करिए, स्नान करने के बाद मंत्र पढ़ के स्नान करिए, बिना मंत्र पढ़े नहीं, वो पशु स्नान हो जाएगा। मंत्र पढ़ के फिर आप स्नान करके फिर आप कम से कम एक हल्का सा टीका लगा लीजिए, हमारी तरह नहीं, एक छोटा सा टीका आप लगा लीजिए। अच्छा हाँ, फिर आप भगवान के पास बैठिए, क्योंकि दिन में प्रारब्ध उनके हाथ में है कि आने वाला है। थोड़ी आप आराधना करिए 15 मिनट आधे घंटे जितना भी करते हैं, मतलब व्यवहार आप तब करिए जब ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाए आपको। हाँ, और उसके बाद फिर आप जो है व्यवहार करिए, ऑफिस जाइए, जहां जाना हो जाइए, लेकिन आप डोंट गो टू गेट जॉय, गो आउट ऑफ जॉय, गो टू नॉट गेट जॉय, गो आउट ऑफ जॉय, आउट ऑफ फुलफिलमेंट। आनंद से काम करिए, आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं। आपके पास भगवान ने बहुत दिया है जिससे आपके पास आनंद बहुत है, आप बाहर आनंद जरूरत ही नहीं आपको किस चीज की, जितना है उसमें संतुष्ट चाहिए। यू कैन ट्राई योर बेस्ट बट डोंट थिंक दिस विल हैपन एट दिस टाइम इन दिस वे। बहुत फिक्स करके रहोगे ना तो परेशान हो जाओगे, क्यों, तुम्हारे हाथ में नहीं है वो सब। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, बोलिए, कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहार्हसि। देखिए, ये शांतनु का नाम सुना होगा, भीष्म पितामह के पिता थे, ये श्राद्ध कर रहे थे, नहीं शांत भीष्म पितामह श्राद्ध कर रहे थे, सुना है आपने, ये श्राद्ध कर रहे थे। जब श्राद्ध कर रहे थे तो ऐसे शांतनु का हाथ आ गया ऐसे कि इसमें हमें जो आप जो 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 राइस होती है ना उसका गोला बनाते पिंड, नहीं दिया तो उन्होंने पूछा प्रीस से, पंडित से पूछा कि तो पिताजी का हाथ आ गया, कहा मत डालो इस पे, है क्यों, कहा ये विधान नहीं है, विधान नहीं है कि कोई पितर हाथ आए तो उसके हाथ में दिया जाए, अगर तुम डाल दोगे तो आगे सब लोग हमेशा प्रतीक्षा करेंगे कि हाथ आए, नहीं डाला उन्होंने उस पे। शास्त्र ऐसे नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, आपको पता है वेद की क्या देन है, धर्म वर्ण आश्रम तत्त्वमसि महावाक्य, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति, आपने खुद ही देखा भी, गीता वेदार्थ बताने के लिए है, यही वेद में लिखा जो गीता में बोला है, कैसे मन को कंट्रोल कर लिया जाए, कैसे अगले जन्म को अच्छा बना लिया जाए, एक माँ की तरह हमारा धर्म क्या है, एक बेटे की तरह धर्म क्या है। जो धर्म शास्त्र और मोक्ष शास्त्र इन दो पे फोकस करे उसका नाम शास्त्र है। धर्म शास्त्र पे फोकस करके अंतःकरण को शुद्ध करेगा, और मोक्ष का शास्त्र पे फोकस करके हाँ हमें अनंत से एक करवा देगा और सारे दुख को दूर करवा देगा। हो गया अध्याय, हमें लगा आप ही करिएगा, अब आप करें नहीं तो क्या करा जाए। तो 7वां अध्याय देखते हैं शाम को। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।